हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कैश लिमिट। हम लोग जब दुबई आते हैं तो हमने कितना कैश अपने पास रखना है या अपने डेबिट कार्ड में रखना है। तो जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले डेबिट कार्ड पे बनाए हैं कि यहाँ पे आप कौन सा डेबिट कार्ड लेके आ सकते हो, कैसा चलेगा, इसके ऊपर काफ़ी सारे मैंने पहले वीडियो देख लिए बनाए के रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि आप कितना कैश यहाँ पे कैरी कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर मैं कितने पैसे लेके आऊँ दुबई, अगर विजिट कर रहा हूँ विजिट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर, तो कितने कैश में जो है लीगल तरीके से अपने पास रख सकता हूँ। तो एज पर रूल आप $1,000 अपने पास कैरी कर सकते हैं, ठीक है, $1,000। तो आप देख लीजिए $1,000 से आप इक्विवेलेंट कितने बनते हैं। अभी $1 कितने का है ये अभी तो मुझे इस वीडियो के टाइम पता नहीं है, तो आप ये देख लीजिए जो भी ये बनता है 60,000 70,000 इंडियन करेंसी है, तो वो आप कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग डरते कि सर मैं 50,000 अगर कैरी करूँ और इमिग्रेशन में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो किसी और कंट्री में तो आपके पास कैश होना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मैं 60-70 हज़ार अगर अपने पास रखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि दुबई जब विजिट वीज़ा पर आप जब विजिट करते हो तो आपके पास $1,000 इक्विवेलेंट पैसे होने जरूरी है। आप किसी भी देश से हो तो आप काउंट कीजिए कि 1,000, जब अगर इंडिया से हो तो आप इंडिया से काउंट कर लीजिए, नेपाल से हो तो $1,000 आपके कंट्री में कितने बनते हैं उतने आप कैरी कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपके देश में वो कितने बनते हैं आप कैलकुलेट करके उसको कैरी कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, काफी सारा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं मैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे पिछले वाले वीडियो जरूर देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना के रखे हैं दोस्तों। और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। चलो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ दोस्तों, बाय बाय।